हेलो गाइस, राजस्थान में 11,255 वैकेंसी रिलीज होने वाली है क्लर्क ग्रेड टू और जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। और मुझे लगा इम्पोर्टेंट डेट्स, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन और जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहले स्लाइड पर। और राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस जो है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। और जो कैटेगरी है वैकेंसी की वो आप देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए 10,917 सीटें, क्लर्क जो कि सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है उसके अंदर 329 सीटें, और आरपीपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो क्लर्क ग्रेड है उसके अंदर 9 वैकेंसी। कुल वैकेंसियां मिलाकर हो गई 11,255। जो इंपॉर्टेंट चीजें अब आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, फॉर्म फिलिंग डेट कब से शुरू हो रहा है, 10 मई से 10th में मतलब अगले महीने से शुरू हो रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। वैसे मैं जो लिंक है सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा डायरेक्ट लिंक, तो आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने का कब तक है, 8th जून 2018 तक। और एग्जाम का टेंटेटिव डेट, अभी ये फाइनल डेट नहीं है, बट सेप्टेम्बर जो नोटिफिकेशन आई है उसमें लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास होगा। और जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपको पता ही है, एग्जाम से 15 दिन, एक हफ्ता से 15 दिन के अंदर में रिलीज हो जाता है। और एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, यानी जो राशि आपको देनी होगी वो है जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व, यानी कि जो लोग राजस्थान के बाहर से हैं और जो जनरल और ओबीसी के क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 450 रुपये जमा करना है। और ये जो मोड ऑफ पेमेंट है, पहले मैं बता दूं कि ऑनलाइन मोड है, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू और ई मंत्रा कियोस्क के थ्रू आप पे कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपीज और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 250 रुपये। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन जानना जरूरी। अब ऐसा है एलिजिबिलिटी, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th पास तो होना ही चाहिए, साथ में इनमें से कोई सा भी एक आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड, जो भी डिग्री या कोर्स सर्टिफिकेट होगा वो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर बना हुआ है इट्स वेल एंड गुड, एक बार आप पॉज करके चेक कर लीजिएगा, आपके पास अगर ये रिक्वायरमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप एक बनवा भी सकते हैं। क्वालिफिकेशन एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, खैर घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि 18 से 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। और जो 1 जनवरी 2019 को जो एज होगा वहां से ये कैलकुलेट किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर वन, पेपर टू, पेपर वन ऑब्जेक्टिव पेपर है। और हाँ, और एक और बात यहाँ पर मैं बता दूं कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, सीबीटी नहीं है, ये एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में। ठीक है, और पेपर टू टाइपिंग टेस्ट है, तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो ये है एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट आपके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, क्वांट मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर 100 मार्क्स का एग्जाम दिया जाएगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ऑफलाइन पेपर होगा, मतलब वो बबल करने वाला सिस्टम जो था पहले वाला वही है। दूसरा पेपर हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जो कि 100 नंबर के होंगे और इसमें कुल समय दिया जाएगा 3 घंटा, टोटल 200 मार्क्स के होंगे पेपर। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, जो पेपर टू होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट और दूसरा हिंदी और इंग्लिश दोनों के कैटेगरी में, और यहाँ पर आपका टेस्ट किया जाएगा स्पीड और एक्यूरेसी, जो कि 25-25 नंबर का होगा और दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम 20-20 मिनट के होंगे। ठीक है, बाकी के जो आपको डिस्क्रिप्शंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब नीचे जो कमेंट बॉक्स का सेक्शन होता है वहां पर, तो आप 10 मई को डायरेक्ट लिंक यहां पर आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने का। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वैकेंसी भी जैसे ही जो मेजर वैकेंसी होगी मैं जल्द से जल्द अपलोड करता जाऊंगा। थैंक यू।